कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर चार इक्वेशन दे रखे हैं और चार वेरिएबल हैं x, y, z और t. आपसे यहाँ पर जो लैम्डा यूज हुआ है सिस्टम में, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे. जब भी इस तरह का केस पूछा जाता है कि सिस्टम का सोल्यूशन या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो आपको यहाँ पर रैंक का यूज़ करना चाहिए. किसी सिस्टम का सोल्यूशन होगा अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मान लीजिए जिसको मैं ए कॉल करता हूँ, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर बराबर है तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि सिस्टम का क्या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे. नो सोल्यूशन वाला केस नहीं हो सकता है. अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ही ऑप्शंस में क्या तो यूनिक सोल्यूशन की बात करी गई है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है. तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे. अगर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ वेरिएबल के, और अगर इनफाइनाइटली मैनी है तो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल. तो हम सबसे पहले रैंक को चेक करते हैं, इसकी रैंक कितनी आती है. तो मैं सिस्टम को लिख लेता हूँ मैट्रिक्स नोटेशन में. 1 1 0 1 4 फर्स्ट रो, सेकंड रो 2 0 0 -4 7, थर्ड रो 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 5, और लास्ट रो है 1 -3 -1 -10 और लैम्डा. अब हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और लैम्डा पर एक कंडीशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन को यूज़ करने का मेन मकसद हमारा यहाँ पर ये है कि जो लीडिंग एंट्री या पाइवोट एंट्री होगी उसके नीचे के सभी एंट्रीज को ज़ीरो फॉर्म करेंगे. फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है तो 1 1 0 1 4, सेकेंड रो हो जाएगी 0 -2 0 -6 -1, थर्ड रो 0 0 1 -1 1, और लास्ट रो होगी 0 -4 -1 -11 और 11 -4. मैंने इकट्ठी तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दी हैं. आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि सभी हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, तो नो प्रॉब्लम है कि कौन कौन से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाई है. आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेंड हुआ है. इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा 1 1 0 1 4, सेकेंड रो सेम रहेगी 0 -2 0 -6 -1, थर्ड रोज में कोई चेंजेस नहीं 0 0 1 -1 और 1, फोर्थ रो में यानी कि R4 -R2 कर देंगे हम, तो ये हमें मिलेगा 0 0 -1 1 और λ -2. ये हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिला. अब हम इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे. फर्स्ट रो हमारी सेम 1 1 0 1 4, सेकेंड रो कोई चेंज नहीं 0 -2 0 -6 -1, थर्ड रो नो चेंज 0 0 1 -1 1, और लास्ट रो यानी कि प्लस कर देंगे R4 + R3 0 0 0 0 और λ -1. यहाँ तक हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये हमारा एडिशनल कॉलम है जिससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म होता है. क्योंकि देखिए रैंक सेम होने के लिए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ ए जिसको वो 3 है, और रैंक ऑफ ए बी यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 4 हो जाएगी इफ λ -1 नॉट इक्वल्स टू 0. 4 होगी अगर ये 0 के बराबर नहीं और सोल्यूशन है, तो हमें इसकी रैंक इसके बराबर करना होगा, यानी कि ऑगमेंटेड की रैंक इसके बराबर करना होगा. तो ये उसी केस में पॉसिबल है जब λ -1 = 0, तो यहाँ से हमें इम्प्लाई होगा λ = 1, यानी कि
रैंक ऑफ कोफिशियंट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर चार वेरिएबल हैं, तो इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन होंगे लैम्डा इक्वल्स टू वन के लिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट की होगा।